हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएफ यूट्यूबर में आपका होस्ट एंड दोस्त रॉनी। सो 7 सितंबर को मोटोरोला का एक इवेंट है एंड इस इवेंट पर मोटोरोला का 4 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा एंड इस 4 स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन होगा मोटो एज 30 नियो। हाँ दोस्तों, ये पहले बता रहा था कि मोटो एज 30 लाइट के नाम से फ़ोन लॉन्च होगा, बट अभी जो लीक्स रहा है उसको मुताबिक फोन मोटो एज 30 नियो के नाम से लॉन्च होगा इंडिया में। अकॉर्डिंग टू लीक्स, ये फोन आपको अंडर आपको 20,000 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। मुकुल शर्मा ने भी ट्वीट करके बोल दिया कि मोटो एज 30 नियो ये फोन लॉन्च होगा, मतलब ये फोन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा 7 सितंबर। सो मोटो एस 30 न्यू में आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। डिस्प्ले एंड डिजाइन की बारे में बताऊँ तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू लीक्स इसमें आपको 6.28 इंच का आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड डिस्प्ले एक पीओलेड का एक डिस्प्ले होने वाला है, मतलब आपको डिस्प्ले में कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड यहाँ पे बैक पे आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा एंड मोटोरोला की हर एक फोन जैसे होता है लुक वाइज आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, मतलब डिज़ाइन में भी कोई इशू नहीं आएगा। तो चिपसेट की बारे में बताऊँ तो कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन की 695 के आपको 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू माय सोर्स यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की 750G का आपको चिपसेट देखने को मिलेगा। इसमें आपको 13 5G का बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 8 MAH पे बेस्ट होता है, आपको डिसेंट बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। 3.5 लाख से ऊपर इसका इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देगी एंड इसमें Adreno 6 on 9 का गेमिंग ग्राफिक्स होते हैं, सब हल्का हल्का गेमिंग कर लोगे एंड आपका इससे आपका परफॉर्मेंस का सेगमेंट आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 12 आपका आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा मोटो एज 30 नियो में एंड यहाँ पे मोटोरोला की खुद की UI MyUX आपको देखने को मिलेगा। तो MyUX में आपको ज़्यादा एड्स ब्लूटूथ एंड बैग आपको देखने को नहीं मिलता, MyUX आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसे आपको फील प्रोवाइड करेगा, तो आपका एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी अच्छी रहेगी। सो कैमरा के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, आपको ओनली ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। तो जो मेन सेंसर होगा वो 64 MP का होगा, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड दूसरा आपको एक 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको देखने को मिलेगा पॉसिबली एंड बैक से आप 4K पैनल में बुके सब कुछ कर लोगे एंड बैक पे फ्लैश रहेगी। एंड अगर फ्रंट पे आओगे तो फ्रंट पे आपको 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा एंड फ्रंट से आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे एंड कैमरा मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा मोटो एज 30 नियो में। सो बैटरी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे बैटरी आपको छोटा देखने को मिलेगा, 4020 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलेगा, ओनली 4020 mAh का एंड आपको 33 W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा एंड टाइप सी की पोर्ट रहेगी, तो एक छोटा बैटरी डिसेंट सा फास्ट चार्जिंग एंड टाइप सी पोर्ट, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो सेंसर की बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको हर एक सेंसर मिलेगा, मतलब जितने बेस सेंसर रहते हैं आपको सब मिलेगा, लाइक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, प्रॉक्सिमिटी जियोमेट्री, जायरोस्कोप, लाइट, कंपास, 3.5 mm, मतलब सेंसर के मामले में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो स्लॉट की बार बताओ तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल स्लॉट के आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट इस मोबाइल पे आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर वेरिएंट के बारे में बताओ तो आपको 2 वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च होगा, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। एंड अगर बेस वेरिएंट की प्राइसिंग के बारे में बताओ तो अकॉर्डिंग लीक्स ये फोन आपको बता रहे कि 20,000 की रेंज में देखने को मिलेगा, बट मेरे मानोगे तो मेरे हिसाब से फोन आपको 22 से 25 हज़ार के अंदर फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आप लोग के मोटो एज 30 नियो इस फोन के लिए वेट करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल है, फिर आपके मन में कोई भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस करो और बेल आइकन को इनेबल करो, और वीडियो को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो लाइक देकर मोटिवेट करो।